तो फिर क्या सोचा तूने? सोचा नहीं है, फैसला कर लिया है। कल मैं कामिनी को बता दूंगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। I'm going to tell her that I love her. I trust you, Monty, लेकिन जो भी करना सोच समझ के करना प्लीज। That's it. क्या हुआ? गाड़ी यहां क्यों रोक दी? तुम्हारे खूबसूरत साथ के लिए, जो चलते चलते तुम्हारे साथ गुजरेगा। ऐसे क्या दिख रही हो? तुम टीना को चाहते हो तो फिर मेरे इतने करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चाहत क्या होती है ये मुझे तुमसे मिलने के बाद पता चला कामिनी। मैं टीना की दोस्ती को चाहत समझ बैठा था। बात हंसी मजाक से शुरू हुई थी पर अब ये बहुत सीरियस मोड ले रही है। हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। गुड बाय। नजरों में तेरी कशिश का आलम, दिल में अरमानों की सरगम। जो भी दिया मेरे जिया को जाने जा तेरे इश्क ने। नजरों में तेरी कशिश का आलम, दिल में है अरमानों की सरगम। जो भी दिया मेरी जिया को जाने जा तेरे इश्क ने। लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं उस कर्ज में। ये तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हें इसे छपवाना चाहिए। ए, तुम कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो ना? मैंने तो ऐसे ही दो तीन दिन लिखती है। वाकई बहुत खूबसूरत है। किया मुझे तेरे नूर ने घायल, किया मुझे तेरे नूर ने घायल। जज्बों में मची दर्द की हलचल। जो भी दिया मेरे जिया को जाने जा तेरे इश्क ने। लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं लुट जाऊं उस कर्ज पे। लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं लुट जाऊं उस कर्ज पे। जो तूने दिया इश्क में, जो तूने दिया इश्क में। लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं लुट जाऊं उस कर्ज पे। कौन हो तुम? कौन हो? ये गाना जो तुमने गाया है वो मेरे पति रवि वर्मा ने लिखा था। तुम इसे कैसे गा सकते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरे दिल की आवाज है। चाहते क्या हो आखिर? क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ कामिनी। पागल हो गए हो तुम? जानते हो तुम्हारी और मेरी उम्र के बीच कितना फर्क है? मेरी नजर से देखो कामिनी, तुम कितनी खूबसूरत हो। उम्र और रिश्तों की सीमाएं मेरे प्यार को नहीं रोक सकती कामिनी। वो प्यार जिसने तुम्हें पाने के लिए मौत की सीमा भी पार कर ली। मैं रवि वर्मा हूं कामिनी, तुम्हारा रवि वर्मा। ये मेरे प्यार का जुनून और तुम्हारे इंतजार की हद है जिसकी वजह से मैंने दोबारा इस दुनिया में जन्म लिया। बकवास कर रहे हो तुम। इन पिछले जन्म की बातों पर मैं विश्वास नहीं करती। यू आर अ लायर। और कितने सबूत दूं मैं तुम्हें कामिनी? तुम सुबह बिना ब्रश किए बैठी पीती हो। अगर 10 बजे तक तुम्हें नाश्ता न मिले तो तुम्हें एसिडिटी हो जाती है। तुम कॉफी पीने वालों से सख्त नफरत करती हो। सिगरेट या सिगरेट पीने वालों को तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम ऑन मोंटी, आई मीन ये बातें तो कोई भी जान सकता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वो बातें बताता हूँ जो सिर्फ तुम या तुम्हारा पति रवि वर्मा जानता था। जब तुम किस करती हो ना तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। सुहागरात Oh
भी तुम यही कहोगी कि मैं रवि वर्मा नहीं। नहीं, ये बातें तो सिर्फ रवि वर्मा ही जान सकता है। कामिनी, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद है मुझे, तुम्हारी की हुई हर बात याद है मुझे। सिर्फ ये याद नहीं कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुझे सिर्फ ये याद है कि हम दोनों प्लेन में साथ जा रहे थे, और फिर ये याद है कि प्लेन तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था, और फिर प्लेन क्रैश हुआ और काली माँ का मंदिर। तुम ये बता सकती हो कि यह हादसा कैसे हुआ? बताओ ना कामिनी, बताओ ना। आज भी वो दिन याद आता है तो मैं कांप उठती हूँ। हम दोनों प्लेन में तुम्हारी माँ से मिलने जा रहे थे, अचानक प्लेन में खराबी हो गई। तुमने मुझे पैराशूट पहनने के लिए कहा। मैंने तो पैराशूट पहले ही पहन लिया था, फिर तुमने मुझे कूदने के लिए कहा। जब मैंने तुमसे पैराशूट पहनने के लिए कहा तो तुमने कहा कि प्लेन में सिर्फ एक ही पैराशूट है। मेरी सीट के पीछे एक और पैराशूट, जल्दी दे देना। मैंने कूदने से इनकार कर दिया। I'll miss you, mother. तुमने मुझे जबरदस्ती धक्का मार कर प्लेन से गिरा दी। कामिनी! और मैं आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए देखती रही और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी। चुप हो जाओ, ये तुम्हारा प्यार ही है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने हूं। मेरी माँ और एक बहन थी, वो कहाँ है? तुम्हारी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा उन्हें इस माहौल से दूर ले जाना होगा ताकि वो तुम्हारी मौत के सदमे को भूल जाए। मैंने माजी और ज्योति को इंडिया भेज दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में माजी का वहां पर देहांत हो गया। ज्योति की शादी हो गई, लेकिन कुछ ही बरसों में उसकी और उसके पति दोनों के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। आने की क्या जरूरत थी, पैलेस में ही रात गुजार लेते। कबीर चाचा, टीना, मैं आप लोगों को वक्त आने पर सब कुछ समझा दूंगा। क्या समझाओगे? यही कि अपने से दुगनी उम्र की औरत के साथ इश्क हो गया तुम्हें, मोहब्बत हो गई है, पल भर के लिए भी तुम्हें इस बच्ची का ख्याल नहीं आया? मैंने बड़े बड़े कमीने देखे मगर तुम्हारे जैसा कमीना नहीं देखा। अरे जिस औरत के खातिर तुमने इस मासूम का दिल तोड़ा है, अगर उसकी असलियत मैं तुमको बता दूं तो दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। क्या जानते हैं आप प्रिंसेस के बारे में? प्रिंसेस नहीं, डायन है वो, डायन। उसके कदम पड़ते ही वर्मा परिवार तिनकों की तरफ बिखर गया। कल वो रवि वर्मा की बीवी थी और आज सर जूडिया नाम के इंटरनेशनल क्रिमिनल की रखेल है वो। आप ये सब कैसे जानते हैं कबीर चाचा? जो बात आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस बात को आज तक मैंने टीना से भी छुपा के रखा है। टीना का बाप महेश कामिनी के घर में ड्राइवर का काम करता था
वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। एक रात अचानक मेरे घर के दरवाजे पर जोरों की दस्तक हुई। कबीरा, कबीरा, कबीरा! ओए महेश, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? मैं अब बचूंगा नहीं कबीरा, मेरी बेटी टीना का ख्याल रखना। अरे किसने तुम पर गोली चलाई, बताओ मुझे। मैं कामनी के घर गया था। हाँ, मैंने उनकी बातें सुन ली। मैक ने मुझे देख लिया, उसी ने मुझे गोली मार दी। क्या बातें सुनी तुमने, बता मुझे, बता मुझे। काली का मंदिर। काली का मंदिर? रवि वर्मा। महेश, महेश। पुलिस को मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे टीना की फिक्र थी। मेरा अपना काम धंधे का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दूसरे ही दिन मैं सरजुडा और कामनी की यहां पहुंच गया। ओ, तो महेश ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ, काली माता के मंदिर के पास बस, क्या बस, हो? आगे सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? खून का सौदा हम पैसे से नहीं करते। तुम्हारी वजह से एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है, अब इसकी परवरिश तुम करोगी इसकी मां की तरह। और हां, अगर इस बच्ची को और मुझे कुछ हुआ तो ये राज पुलिस तक पहुंच जाएगी। इसका पूरा पुख्ता इंतजाम करके आया हूं। ये सौदा तो हमारे बीच तय हो गया, लेकिन मैं आज भी सोचता रहता हूं कि काली माता के मंदिर के साथ रवि वर्मा का क्या नाता है। मैं बताता हूं कबीर चाचा कि काली मां के मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है। तुम? हां, मैं कबीर चाचा। आज की दुनिया के विश्वास के खिलाफ एक कहानी जो हकीकत बनकर गुजरी है मुझ पर। जरा सोचो, एक लड़का एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, रस्म और रिवाज के सभी बंधनों को तोड़कर वो उससे शादी भी करता है, लेकिन शादी के ठीक दो दिन बाद वो लड़की उसकी हत्या कर देती है सिर्फ पैसों की वजह से। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो कबीर चाचा, के वो प्यार करने वाला फिर एक बार जन्म लेता है और जवान होकर वो उसे देखता है कि वही लड़की ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही है प्रिंसेस बनकर। रवि वर्मा का बनाया हुआ मंदिर मौजूद है, वर्मा फैमिली के ट्रस्ट से बनाया हुआ वर्मा केटरिंग कॉलेज मौजूद है, लेकिन मैं पूछता हूं कहां है वर्मा परिवार? कहां है मेरी मां? कहां है मेरी बहन? किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं कबीर चाचा, ये अनहोनी मेरे साथ हुई है, ये पहाड़ मुझ पर टूटा है। मैं कोई पागल नहीं हूं जो आपको ये बात बता रहा हूं, ये सच है। तो तुम वही रवि वर्मा हो? या खुदा, ये कैसा करिश्मा है तेरा मंटी बेटे। चाहे कोई तुझ पे यकीन करे या ना करे, मगर तेरा कबीर चाचा तुझ पे पूरी तरह यकीन करता है। न जाने उस औरत ने तुम्हारी मां और बहन को कहां छुपा के रखा होगा। इसीलिए मैंने कामिनी के साथ प्यार का ढोंग किया। मैंने उसे इस बात का यकीन भी दिला दिया है कि मैं ही उसका मरा हुआ पति रवि वर्मा। मैंने उसे यह भी कह दिया है कि मुझे सिर्फ ये बात याद नहीं कि मेरी मौत कैसे हुई थी। मैंने ये सब कुछ अपनी माँ और बहन के बारे में जानने के लिए कहा है, और जानते हो उसने क्या कहा? कि मेरी माँ और बहन इस दुनिया में नहीं है। झूठ कहा उसने, झूठ। मेरा दिल कहता है कबीर चाचा कि वो दोनों जिंदा है, मेरा रोम रोम कहता है कि वो दोनों जिंदा है। फिक्र मत करो मोंटी, जिस ऊपर वाले ने ये करिश्मा दिखाया है वो जरूर तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन से मिलाएगा, और फिर तुम अकेले नहीं हो बेटे, हम सब उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। चलो टीना। I'm sorry, मोंटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। It's okay, टीना।